हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम करने वाले हैं मिनी ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग। इस चीज से हम फोन को अटैच करते हैं उससे। ये आपको बहुत यूज होगा अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो। सौरव जोशी भी पहले इसी से शूट करता था और वीडियो अपलोड करता था डेली। ये दिखने में छोटा है मगर बहुत काम का चीज़ है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो इसको वीडियो शूट करते तब। आप लोग भी अगर व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप पहले इसको यूज़ करो। स्टार्टिंग में ही आपको महंगी चीज़ें या इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करते करते आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। आप लोग स्टार्टिंग से ही गिम्बल यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा व्लॉगिंग का, क्योंकि आपका कैमरा पहले स्टेबल होना चाहिए आप व्लॉग करते तब। गिम्बल यूज़ करोगे तो पहले से ही वो स्टेबल रहेगा और वीडियो भी अच्छा आएगा, उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तब आप लोग बेसिक नहीं सीख पाओगे उसका व्लॉगिंग का मेन पार्ट। आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये माइक लगाने का क्लिप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने शर्ट पे हुक करने के लिए। मुझे ये दो दो मिले उसमें। अगर आप फ्री हैंड व्लॉगिंग करते हो तो आपको ये यूज़ नहीं होगा, आप अपने फ़ोन से भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और आप लोग वीडियो को बाद में भी वॉइस ओवर दे सकते हो वीडियो को। इस ट्राइपॉड के साथ हमको एक फ्री माइक मिला था उसके अंदर। ये माइक आपको 150 या 200 तक मिल सकता है ऑनलाइन में। ये माइक का वायर भी बहुत लंबा है, आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसको। आपको एक अच्छे से माइक 3000 तक मिल सकता है, मगर आप बिगनर हो तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। उस दिन ये 70% ऑफ था इसलिए मैंने दो खरीद लिया ऑनलाइन में। एक ट्राईपॉड को अगर कुछ हो गया ना, हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं तब। इस माइक को क्लिप को यहाँ लगाते हैं, अब लगा के बताता हूँ मैं। इसको आप अपने सेट पे लगा के यूज़ कर सकते हो, इससे आपके साउंड क्वालिटी और अच्छा बन जाएगा। आप एक बिगनर हो तो ये चीज़ बहुत है आप लोगों को स्टार्टिंग में।